नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख कहावतें हैं, लोकोक्तियां और मुहावरों के बारे में। ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक भी दे रखा है, तो उसके अंदर तो ये वीडियो आपको काम आएगा ही, या राजस्थान के कोई अदर एग्जाम के अंदर जो है अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की जो प्रमुख कहावतें हैं, करीबन इस वीडियो में दोस्तों 25 क्या 50 कहावतें और मुहावरे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। आम फले नीचो नवे अरटा खासा जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों किसी का सामर्थ्य मिलता है तो व्यक्ति नॉर्मल ना रहकर क्या हो जाता है, और घमंडी हो जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति सामर्थ्य पाकर जो है क्या हो जाता है, और घमंडी हो जाता है। आम फले नीचो नवे अरट आकाशा जाए। अगला है, आंखें देखी परशुराम कदे न झूठी होए। आंखों देखी बात कभी झूठी नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला है, गिन गिन ने दिन काटना, बहुत ही दुखी समय काटना। मतलब अगर जैसे बारिश आ रही है और किसी के घर पे छत नहीं है तो सोचो वो कैसे दिन काटते होंगे। बारिश आ रही है, रहने का अत्य पता नहीं है, तो उसके लिए तो क्या है, गिन गिन के दिन काट रहा है वो, तो बहुत दुखी पूर्वक समय गुजारना। गांठ राखनी, अब हंसी मजाक में आपने कोई बात कह दी है ना, लेकिन सामने वाले ने क्या वो बात मन में रख ली, तो बात मन में रख लेना यानी गांठ राखनी। अगला है, खरी मजूरी चोखो दाम। जो व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको परिश्रमिक भी जो है दोस्तों वो उसकी मेहनत के हिसाब से ही मांगता है। फिर उसने कोई काम में कोई कमी नहीं रखी तो पैसे में कमी क्यों आ रही है। तो परिश्रमी व्यक्ति को पूरा परिश्रमिक चाहिए, खरी मजूरी चोखो दाम। अगला है, खीर में मूसल देना। मतलब खीर में मूसल देना से मतलब है बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है, गाड़ी देख लाडीरा पग सूझे। भाई घर में अगर गाड़ी पड़ी है तो पैदल क्यों जाएं, गाड़ी का उपयोग क्यों ना किया जाए, बस वही बात है, गाड़ी देख लाडीरा पग सूझे। साधन देखकर साधन का फायदा उठाने की कोशिश। अगला है, खाए धनी को और गीत गावे बीरे का। वही बात है कि खा किसी और का रहे और श्रेय किसी और को दिया जा रहा है, तो उचित व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा रहा। अगला, काकड़ी की चोरी और मुक्कारी मार। भाई काकड़ी की चोरी की तो जो दंड है उसी हिसाब से मिल गया, तो अपराध के अनुरूप दंड देना। अगला, आटे दाल रो भाव ठा पड़नू। इसका मतलब है वास्तविकता का बोध होना, यानी होश ठिकाने आना या कठिनाइयों का ज्ञान होना। अगला, आयो तो छाछने और बिलोवना रो धनी बनना। मतलब भाई आपने किसी को पेन दिया कुछ देर के लिए, लेकिन वो तो उस पेन पर ही अधिकार जमा के बैठ गया, ये पेन तो मेरा है, तो मांगी हुई वस्तु पर स्वयं का अधिकार जमाना। अगला है, अंबर पटकी धरती झेली। अंबर पटकी धरती झेली, जिसका कोई आगे पीछे कोई ना हो, तो उसके लिए क्या कहावत यूज ली जाती है, अंबर पटकी धरती झेली। अगली कहावत है, घड़ी में तोला एंड घड़ी में मासा। तो इसका मतलब है कि भाई विचारों का बदलना, एक जगह नहीं रहना। कभी सोचते बन SSC की तैयारी कर ले, कभी सोचते रेलवे की, अब राजस्थान की वैकेंसी आ गई तो अब राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी करेंगे। ठीक है, घट्टी पीसनी, बहुत मेहनत करना, नौकरी ऐसी थोड़ी ना मिलती है, उसके लिए घट्टी पीसनी जैसा परिश्रम करना पड़ता है। अगली, ये गधा ने काई ठा गंगा जल काई बे। वो बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो अच्छी वस्तु की कीमत नहीं जानता, तो गधा ने काई ठा गंगा जल काई बे। अगला है, कुएं भांग पड़नी। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक लड़ी बेराम पड़े तो सारी पड़े, तो बस वही वाली बात है, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, कुएं में भांग पड़नी। अगला है, कान माथे जूनी रेंगनी। किसी भी बात का कोई असर नहीं होना, है ना, कान माथे जूनी रेंगनी। कितना ही कह दो भाई पढ़ाई कर ले, नहीं करनी तो नहीं करनी, पबजी खेलना है। अगला, कीड़ी संचय तीतर खाए पापी को धन पढ़ ले जाए। ठीक है, इसका मतलब है भाई पाप की कमाई कभी नहीं फलती, कहीं ना कहीं वो वापस खर्च हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ नुकसान होके उसकी भरपाई हो जाती है। तो कीड़ी संचय तीतर खाए पापी को धन पढ़ ले जाए। अगला, अक्कल बिना ऊंट उबाना फिरे। मतलब साधन होते हुए अगर साधन का उपयोग नहीं कर पाते तो व्यक्ति क्या है, उपहास का पात्र बनता है। तो मूर्ख व्यक्ति साधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं कर पाते, अक्कल बिना ऊंट उबाना फिरे। मोबाइल लेके घूम रहे हैं और फोन लगाना नहीं आता, तो वही कहावत लागू हो जाती है कि अक्कल बिना ऊंट उबाना फिरे। अगला, आदि ने छोड़ आकी भावे तो आदि ही जावे। इसका मतलब है कि भाई अत्यधिक लाभ करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में LDC लग गए, लेकिन आपने क्या करा, LDC की जॉब ज्वाइन नहीं करी,
आपने सोचा नहीं हम तो CGL की तैयारी करेंगे SSC की, हम तो उसमें भी लग सकते हैं। अब बाद में पता चला कि SSC CGL में ओवरेज हो गए और इधर से LDC भी छोड़ दिए, तो आधी ने छोड़ा कि भावे तो आधी जावे, यही बात है। आँख रो काजल, अब अपनी माँ बाप के लिए क्या हो, आँख के काजल हो, बहुत प्यारे। अगला अंधारा तंदूरा रामदेव जी बजावे, अंधारा तंदूरा रामदेव जी बजावे। तो बेसहारा व्यक्तियों की जो सहायता है कौन करता है, ईश्वर ही करता है। अंधारा तंदूरा रामदेव जी बजावे, या फिर अंधारी माँ की राम उड़ावे। आपने उपजे कोनी, दूसरा की मानना कोनी, मतलब खुद के अंदर कोई विचार आ नहीं रहा किसी चीज़ को लेकर, और जो दूसरा कोई विचार दे रहा है तो उसकी बात माननी ही नहीं है। आपका दोस्त या आपके सर आपको कह रहे हैं कि इस तरीके से ना करके इस तरीके से पढ़ाई कर, या फिर इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़, या फिर इसका हल इस प्रश्न का ऐसे होगा, लेकिन नहीं, सामने वाले की बात नहीं माननी है। तो विवेकहीन व्यक्ति जो दूसरों की सलाह नहीं मानते हैं, आपने उपजे कौन है, दूसरा की माना कौन है। आकाश में बिजली चमके और गदेड़ो लात भावे, बिजली कहाँ चमक रही है, आकाश में, जो कि बहुत दूर है, और यहाँ पर जो धरती पर नीचे गधा है वो पहले से ही डर रहा है, पैर ही ना लग, है ना। तो इसका अर्थ है कमजोर व्यक्ति जो है खतरा दूर होने पर भी डर जाता है। आकाश में बिजली चमके और गदेड़ो लात भावे। अगला है अंधाधुंध की साहबीर घटा टोप को राज, मतलब अव्यवस्थित प्रशासन, शाह प्रशासन में अव्यवस्था छाना, विवेकहीन शासकों के कारण राज्य में अव्यवस्था होना। अगला है आडा आया माँ का जाया, जब विपत्ति का टाइम आता है तो सगे ही काम आते हैं, तो वक्त आने पर सगा भाई ही काम आता है, आडा आया माँ का जाया। अगला है केसरियो कर्णो, तो आपने अपने इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि जब राजपूत शासक युद्ध के लिए जाते थे तो वो कौन से वस्त्र धारण कर लेते थे, केसरिया, मतलब युद्ध के लिए तैयार होना। अगला है कालियों को न गोरियो बैठे, रंग नहीं तो लखन जरूर लेवे। काले व्यक्ति के पास अगर गोरा बैठेगा तो रंग तो नहीं आएगा, लेकिन उस व्यक्ति के जो संगत है उसका असर जरूर पड़ेगा उस पर थोड़ा सा, है ना। तो अगर बुरी संगत में रहने से क्या है, अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। किलो जीतनो, मतलब सरकारी नौकरी लगना, किसी मुश्किल काम पर विजय प्राप्त करना। अवसर चूकिया में मौसर नहीं मिले, मौसर मतलब मृत्यु भोज, तो एक बार अगर अवसर चूक गए तो वापस मौका नहीं मिलता बार बार, तो भाई अगर एक बार ओवरवेज होने से पहले ही नौकरी लग जाओ, नहीं, क्योंकि अवसर चूकिया में मौसर नहीं मिले। नेक्स्ट है अमर को तारो हाथ से कोने टूटे, कठिन कार्य जो दोस्तों आसानी से नहीं होते हैं, आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता, नौकरी लगना है इतना कोई आसान काम नहीं है। अमर को तारो हाथ से कोने टूटे, अक्कल भांग कानी, कहते हैं ना भाई तेरी अक्कल क्या घास चढ़ने गई है क्या, वही बात है, मूर्खता का काम करना। आग में पूड़ो नाकनो, पूड़ो से मीन्स वो जो चारा होता है सूखा, अगर वो आग में डाल देंगे तो क्या आग और भड़केगी, तो वही बात है, भड़काना, लड़ाई को और बढ़ा देना, आग में पूड़ो नाकनो। अगला है आँखें नीची होनी, परीक्षा में फेल होते क्या हो गया, सबके सामने अपनी आँखें नीची हो गई, बहुत लज्जित होना या शर्मसार होना। अगला है घर आया ने छोड़ बाम्बी ने पूजन जाए, भाई घर में योग्य व्यक्ति है लेकिन घर वाले क्या है, उसके लिए तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात ही है। घर में ग्रेजुएट व्यक्ति है उसकी बात नहीं मानेंगे किसी सलाह को लेकर, लेकिन बाहर जो बाहरवीं पास व्यक्ति है उसकी सलाह मान ली जाएगी। तो घर की योग्य व्यक्ति की बात नहीं मानकर बाहरी व्यक्ति की बात मानना। अगला घोड़ा बेच और सोवनो, मतलब निश्चिंत होकर सेना, सोना बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं। घी में घी सकला खा ले, तेल में घी कोई नहीं खा ले, इसका मतलब है कि भाई जो अमीर व्यक्ति है उनको तो कोई भी लोन दे देता है, पैसे दे देता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको कोई नहीं देता। तो घी में घी सगड़ा गाले, तेल में घी कोई नहीं गाले। अगला घर फूटे रावण मरे, मतलब रावण क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति था, है ना, लेकिन जब फूट पड़ जाती है अगर परिवार के अंदर तो शक्तिशाली व्यक्ति भी हार जाता है। घाट घाट रो पानी पीणो, मतलब बहुत अनुभवी होना, घाट घाट रो पानी पीणो मीन्स बहुत अनुभवी। घर फूकन तमाशो देखनो, भाई मोबाइल खरीद, आईफोन खरीद लिया है, नई स्पोर्ट बाइक खरीद ली है, लेकिन खरीदी किससे, घर की चीज़ें ही बेचकर खरीदी है, तो मतलब घर फूकन तमाशो देखना, घर का नुकसान करके मनोरंजन करना। अगला है चिलम भरनी, जी हजूरी करना, इधर बॉस ने सिगरेट मुंह में लगाई और एकदम से जो चपरासी वो आया लाइटर लेके, और भाई लो बॉस मैं जला देता हूँ सिगरेट, तो वही बात होगी खुशामद करना या जी हजूरी करना, चिलम भरनी। चिकना घड़ा माते पानी नहीं टहरना, चिकना घड़ा मतलब बहुत बेशरम व्यक्ति, कुछ भी कह लो लेकिन कोई बात का असर नहीं होगा, वही बात है, चिकना घड़ा घड़ा माते पानी नहीं टहरना, कितना कह दो भाई पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, वही बात है। चुल्लू भर पानी में डूबना, बहुत शर्मसार होना, बहुत लज्जित होना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे अपने आप में ही शर्म आने लग जाए।
चांद माते थूकना, मतलब चांद का है और कहते हैं कोई उसके ऊपर थूक दिया तो वो क्या है, एक तरीके से गलत बात कर रहा है, मतलब किसी निर्दोष पर दोष लगाना, उसके लिए क्या कहावत है, चांद माते थूकना। अगला है चादर देखन पग पसारना, जितनी गुदड़ी उतने पैर पसारने चाहिए, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। चार चांद लगना, मतलब सुंदरता में और सुंदरता आ जाना, भाई चांद वैसे तो सुंदर लगता ही है लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है तब वो और सुंदर लगता है। चाबी भरनी मतलब किसी के खिलाफ भड़काना, चाबी भरनी मतलब किसी के खिलाफ भड़काना। छठी रो दूध याद आनो, बहुत विपत्ति में पड़ जाना, बहुत परेशानियों में पड़ जाना, तो क्या है, छठी रो दूध याद आनो। जनी के लिए नहीं जानो वणी ने क्यों पूछना, भाई हमको अगर बैंक की तैयारी नहीं करनी तो उसके बारे में पता करके क्या करना, या डॉक्टर नहीं बनना है तो उसके बारे में जानने से क्या लाभ, ठीक है, तो वही बात है, जनी गेले नहीं जाओ वणी ने क्यों पूछना। अगला जनी न पग बढ़े जो जाने, जिसके ऊपर दुख बीतता है वो दुख वो खुद ही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही है, ठीक है, तो वही बात है बस, जनी न पग बढ़े जो ही जाने। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट वीडियो के अंदर करीबन 50, इसमें मुहावरे भी मिक्स हैं और कहावतें भी मिक्स थी, ठीक है। तो अगला वीडियो और लेकर आएंगे, देखते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।